विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। ये कक्षा 2 का पार्ट 2 का लेक्चर संख्या 5 है। आपके पिछले वीडियो में हमने देखा था किस प्रकार आपकी पुस्तक में अभ्यास दिया गया था पाठ 1 का। तो हमने उस पाठ 1 के अभ्यास के प्रश्न को देखा था और उन्हें हल किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपकी जो पाठ संख्या 2 है वर्णमाला, उसमें जो अलग अलग शब्द दिए हुए हैं उनकी परिभाषाओं पर थोड़ी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि वो परिभाषाएं क्या हैं। आप उन परिभाषाओं को अपनी पुस्तक में लिखेंगे, अपनी कॉपीज में लिखेंगे और फिर उन परिभाषाओं को याद करेंगे। तो आइए देखते हैं वो परिभाषाएं क्या क्या हैं और कौन कौन सी हैं। आइए देखते हैं, पहली परिभाषा है किसकी? वर्ण की। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाती है। तो वर्ण क्या होता है? तो भाषा की वो सबसे छोटी ध्वनि जिसको आप और नहीं तोड़ सकते, यानी इससे छोटा भाषा का कोई भाग नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण। दूसरा है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसे वर्णमाला कहते हैं? तो जब हम वर्णों को एक क्रम में सजाते हैं तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे आप क के बाद ख ही लिखते हैं, ना कि ख के बाद आप क के बाद आप अंग लिख सकते हैं। तो वो जो बना हुआ है क्रम आपका, उसमें जब सजाते हैं वर्णों को, तो वो आपका वर्णमाला हो गया। फिर स्वर किसे कहते हैं? तो ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके या जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े स्वर कहलाता है। अब स्वर किसे कहते हैं? तो ऐसे वर्ण जिन्हें बिना किसी और स्वर या किसी और वर्ण की सहायता के बोला जा सके, जिनका उच्चारण किया जा सके, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे अ ई ओ आदि, यानी कि अ में सिर्फ अ की ध्वनि आती है, आपको और कोई ध्वनि नहीं सुनाई देती। ई की ध्वनि में भी बस ई की ध्वनि आपको सुनाई देती और कोई ध्वनि नहीं आती। ऐसा ही ओ के साथ भी होता है। इसके बाद देख लेते हैं हम व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण के लिए किसी स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं, जैसे क ख आदि। अब व्यंजन किसे कहते हैं? तो जब आपको किसी वर्ण का उच्चारण करना हो जिसमें आपको किसी और दूसरे स्वर की सहायता लेनी पड़े या किसी और वर्ण की सहायता लेनी पड़े, तो ऐसे वर्णों को हम कहते हैं व्यंजन, जैसे क ख आदि। अब क में क के साथ अ आ जाता है तो वो क होता है, तो इसमें किसकी सहायता लेते हैं? अ की। वैसा ही ख के साथ भी होता है। तो ये आपकी व्यंजन की परिभाषा हो गई। आप इन चारों परिभाषाओं को लिख लेंगे अपनी नोटबुक्स में और फिर याद कर लेंगे। धन्यवाद।